हेलो फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। छोटा सा ये जो आजकल आप न्यूज़ में देख रहे हो, लक्ष्मी विलास बैंक का क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा ये क्लास से हटके है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ऐसी भी स्मॉल नॉलेजेबल वीडियो लाई जाए जो करंट सिनेरियो में हमारे कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचे, राइट। तो बड़ी ही छोटी सी वीडियो मैंने आपको बनाई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज मिले। तो देखो, आजकल न्यूज़ में चल क्या रहा है, एक लक्ष्मी विलास बैंक है, साउथ इंडिया का बैंक है ये। इसकी मैक्सिमम विड्रॉवल लिमिट अभी आरबीआई ने 25,000 कर दी है। अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि 25,000 क्यों कर दी, क्या बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, क्या बैंक के पास डिपॉजिट्स नहीं रहा, क्या हमारे पैसे डूब गए। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं सिंपल, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं हैं उनके लिए, कि जितने हमारे इंडिया में बैंक्स हैं, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हो चाहे वो कॉपरेटिव बैंक्स हो, सबको एक बॉडी गवर्न करती है और वो है आरबीआई, दैट इज आरबीआई। आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन निकालता है और ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दोज गाइडलाइंस। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि क्यों इस बैंक ने, लक्ष्मी विलास बैंक ने, क्यों मैक्सिमम विड्रॉवल लिमिट 25,000 कर दी है। क्या लक्ष्मी विलास बैंक के पास पैसे नहीं बचे, हम इसे क्या समझे। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को समझिए, इकोनॉमी के सिस्टम को समझिए। लक्ष्मी विलास बैंक का छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक साउथ इंडियन बैंक है, बहुत सालों से हमारे इंडिया में बिजनेस कर रहा है। इसकी जो करंट सिचुएशन है, पहले आप वो देखिए, पास्ट में हम नहीं जाएंगे, करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी विलास बैंक की इंडिया में 563 ब्रांचेस हैं, 563, और इसका डिपॉजिट, इसके पास जो डिपॉजिट पड़ा है पब्लिक का, वो कितना है, 20,973 करोड़, मतलब 20,973 करोड़ का डिपॉजिट पब्लिक का इसके पास है जो ये पब्लिक को देगा। अगर मैं इसके लॉसेस की बात करूं तो लॉसेस इसके लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूअस लॉसेस, अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें या ऑडिटर्स की रिपोर्ट देखें तो लास्ट 3 इयर्स में ये जो बैंक है कंटिन्यूअस लॉस सफर कर रहा है। अभी रिसेंट अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो Q1 और Q2 में, Q1 जो कि हमारा कब होता है, अप्रैल टू जून, जिसमें 112 करोड़ का इसने लॉस जो है रिपोर्ट किया है, और क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ सितंबर, उसमें इसने 397 करोड़ का नेट लॉस हमें बताया है। अब आप थोड़ा सा, आपके माइंड में आ रहा होगा क्या, लेकिन जो पिक्चर आप बना रहे हो यहां तक वो गलत, समझिए पहले। कंटिन्यूअस 3 इयर्स का लॉसेस बैंक में हो रहा है, Q1 में इसका 112 करोड़ का लॉस है, Q2 में इसका 397 करोड़ का लॉस है। अगर मैं एनपीए की बात करूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इसका लास्ट ईयर में 17.3% का इसका एनपीए था, जो कि अब 25.4% का एनपीए। एनपीए क्या होता है, डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ऐसे पैसे जो इसको रिकवर नहीं हो पा रहे, इतना आप समझिए। तो इन सिचुएशन की वजह से क्या आपको नहीं लगता इस बैंक को रिवाइवल की जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को इसको रिवाइव करना चाहिए। तो वही चीज तो हो रही है, यही रूमर्स आपको दूर करना है और आपको दूसरों को भी बताना है कि जो लोग रूमर्स के चक्कर में ये सोच लेते हैं कि बैंक बंद होने वाला है, हमारे पैसे डूब जाएंगे, हम दिवालिया हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आरबीआई की स्कीम है, क्या स्कीम है, आरबीआई इसको, या ऐसे माने ये बैंक का अमलगमेशन होना चाह रहा है, जो कि है डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। क्या है ये डीबीएस, आपने बैंक सुना होगा, तो रीसेंट देयर इज अ प्रपोजल ऑफ अमलगमेशन लक्ष्मी विलास बैंक विद डीबीएस बैंक इंडिया। अब ये डीबीएस क्या है, दिस इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ डीबीएस सिंगापुर। सिंगापुर की ये एक सब्सिडरी कंपनी जो इंडिया में काम करती है डीबीएस बैंक इंडिया के नाम से, और अगर ये दोनों बैंक मर्ज हो जाते हैं तो इससे कंपनी का एनपीए इंप्रूव होगा, इससे कंपनी की नेटवर्थ इंप्रूव होगी, इससे कंपनी की ब्रांचेज इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम आप अभी करंट में फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्या ये पहली प्रॉब्लम आपने देखी है, इससे पहले ये एग्जांपल आपके सामने,
IL/FSC का फ्रॉड हुआ, PMC पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में एक बार सेम सिचुएशन आई, लोग लाइनों में लग गए अपने पैसे निकालने लग गए, लोगों को लगा बैंक डूब रहा है, RBI ने हेल्प की। DHFL का भी एक फ्रॉड हुआ था, हालांकि ये बैंक तो नहीं है लेकिन ऑडिटर्स इसमें गलत पाए गए, फिर इनके ऊपर जो भी है केस चल रहा है। यस बैंक का अभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर इसका SBI के साथ कुछ मर्जर किया गया, इसको रिवाइव किया गया। PNB में आपने देखा ही अभी भी इसका फ्रॉड है। क्या PNB बैंक बंद हो गया? क्या यस बैंक बंद हो गया? क्या इन्वेस्टर के पैसे डूब गए? दीज आर द रूमर्स। तो पहले आप कोशिश किया करो, नॉलेज को देखो और चीजों को समझो और फिर आप लोगों को भी अवेयर करो कि क्या रियल सिचुएशन है। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किससे होने वाला है? DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। कुछ पास्ट प्रपोजल भी थे, यानी काफी पहले से लक्ष्मी विलास बैंक को किसी और के साथ मर्ज किया जा रहा है, या ये कंपनी किसी और में मर्ज होना चाह रही है, जो फेल हो चुके प्रपोजल। एओन बैक सिक्लिक्स कैपिटल इसके साथ प्रपोजल था, SREI कैपिटल इसके साथ प्रपोजल था, नहीं हो पाया, और एक फेमस कंपनी आपने सुना होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो इनके साथ भी प्रपोजल थे टू रिवाइव दैट बैंक, बट वो प्रपोजल फेल हो गए। प्रपोजल फेल क्यों हुए वो इंटरनल मैनेजमेंट का मैटर है, लेकिन इसमें RBI की भी परमिशन लेनी होती है, वो भी उसको नहीं मिली थी, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं करूं तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप इस वीडियो को देखो, नॉलेज लो, रीड करो, चीजों को समझो और लोगों को भी ये चीज बताओ कि जब हम कोई न्यूज सुनते हैं या कोई ऐसी चीज हम पढ़ते हैं तो सडन हमें ऐसा ना लगे कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, राइट। देर आर अथॉरिटीज, देर इज गवर्नमेंट हु इज वर्किंग, हु इज रिवाइविंग दैट कंपनी और पर्टिकुलरली बैंक, सब हमारे पैसों के सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। और वैसे भी जितने बैंक्स हैं सबको इतनी सिक्योरिटी बैंक RBI को देनी पड़ती है कि आपके पैसे नहीं डूब सकते। लास्ट में इन शॉर्ट वीडियो के डोंट वरी, ये आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बाई चांस वो हो सकते हैं इसके डिपॉजिट होल्डर हों, तो गुड स्कीम है। अगर ये स्कीम हो गई तो बैंक इंप्रूव होगा, इसका NPA इंप्रूव होगा, CRR सब कुछ जो रेशियोज होते हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, और RBI DICGC और ऐसी सुपरवाइजिंग बॉडीज के अंदर ही ये स्कीम चल रही है। कभी भी इन्वेस्टर का लॉस नहीं हो सकता, कभी भी कंपनी में जो पैसे लगा रहा है वो एक मोनेटाइज वे में, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको गवर्न किया जा रहा है। तो RBI के सुपरविजन में सब चीजें हैं, ऐसी कोई बात नहीं पैनिक होने की। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी लोगों ने हवा बनाया, फिर PNB बैंक में हवा बना, यस बैंक पे बना, तो दिस टाइम एंड ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू मेक सच शॉर्ट वीडियोज वेयर आई कैन शेयर द प्योर नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। आई होप दिस वीडियो इज knowledgeable for you, please share with your friends and relatives. Thank you so much.